जनपद मुरादाबाद रामगंगा किनारे बने अवैध रूप से मकानों को हटाने के लिए निगम द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रामगंगा किनारे बने अवैध मकानों पर निगम ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाया। निगम की इस कार्यवाही से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रामगंगा नदी किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा नगर निगम का पीला हाथी, अवैध अतिक्रमण को किया जमींदोज। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे नगर निगम मुरादाबाद के अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। नगर निगम ने आज मुरादाबाद के रामगंगा नदी किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पिछले काफी समय पहले इनको खाली करने की सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने इस पर अपना कब्जा जारी रखा, जिसको लेकर आज यह कार्यवाही की गई है। देखिए, आप सभी देख रहे हैं कि ये डूब क्षेत्र है, रामगंगा नदी का किनारा है। कैचमेंट एरिया जो बेसिन एरिया है, यहाँ पर नगर निगम की भूमि है आईडी पर, इसके अलावा बाल क्षेत्र की भूमि, सिंचाई वाल की भूमि, एमडीए की कुछ भूमि है, जिसको कई लोगों ने घेर रखा है। इसकी पूर्व में शिकायतें प्राप्त होती थी, इसका चिन्हांकन हम लोगों ने कराया, इन लोगों को सूचना दी कि आप जो इलीगल काम किया है पता नहीं। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, हमारी नगर निगम की पुलिस टीम, मैं अपर नगर आयुक्त नगर निगम के पुलिस टीम, पीएससी पुलिस के उन स्थानों को हमने खाली कराया है, जो पब्लिक ने बना रखे थे, पक्षी अक्रमण को हमने हटाया और भविष्य के लोगों को चेतावनी दी है कि इस तरह का अक्रमण ना करें, या करेंगे तो उनको पुनः हटाया जाएगा, जिससे जन सामान्य को कठोरता नहीं है। किस तरह का विरोध देखना पड़ रहा है या कुछ इस तरह का विरोध है, कुछ गलत तरीके से फर्जी कागजे बना लिए होंगे, या इस महिलाओं का कुछ विरोध सामने आया तो उसके विरोध करते पक्षी अक्रमण ना तोड़ा जाए, लेकिन जो गलत काम किया है तो उसको उनको हटाना पड़ेगा। शासन द्वारा, शासन के निर्देश से हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो नियम संगत है और प्रभावी कार्रवाई इस तरह से आगे जारी है। सर, किन किन एरियों में ये अभियान चलाया जाएगा? आज संयुक्त अभियान है, डीएम साहब के निर्देश से एक संयुक्त टीम बनाई थी, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, एमडीए, सिंचाई विभाग, ये सभी विभागों ने मिलकर के इस स्थल का निरीक्षण किया, चिन्हांकन कराया, उसके उपरांत ये कार्रवाई की। अच्छा, कितना लंबा चलने वाला है ये अभियान और कहाँ तक चलने वाला है? जैसे आज हमने जितना कर पा रहे हैं शाम को 4 बजे तक करेंगे, उसके उपरांत कल भी अभियान जारी रखेंगे, जिससे हमको ये कहने का मौका ना मिले तो उनका किसी का छोड़ दिया जाए। जिस मकान में कोई अभी फैमिली रह रही है उसको हमने 7 दिन का समय दिया है, जब वो खाली कर लेते नहीं करेंगे तो बलपूर्वक खाली कराएंगे। सर, कुछ लोगों ने दशा में सरकारी जमीन का अक्रमण होने नहीं दिया, कुछ लोगों ने अपने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बना रहे, फैक्ट्रियाँ तक बना रहे, उनके लिए क्या नोटिस दिया है? हमारे हमसे नोटिस दिया है, हमारी कार्रवाई एक समान होगी, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, एक समान कार्रवाई करते हैं। सरकारी भूमि से किसी भी दशा का अक्रमण होने नहीं दिया। सर, एक आखिरी सवाल करने जाएंगे, जिन लोगों से इन्होंने जमीन दी है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? हम लोग उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से कागज जमा जमीन भेजी है उसके लिए भी लेखपाल और कैसी तरह से कार्रवाई की जाएगी हम भी जानते हैं।